हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियंका गौर, वेलकम टू लर्निंग विद पेस। अभी हम बात करेंगे कि जो सीटेट है उसकी टीजीटी एंड पीआरटी दोनों के लिए बुक्स देखेंगे हम, ठीक है। इससे पहले ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन बच्चे हैं कि उनको नई वीडियो चाहिए। इससे पहले मैं जो लास्ट सीटेट हुआ था मैंने उसमें बताया था कि आपको कौन सी बुक परचेज़ करनी है, लेकिन बच्चों को नई वीडियो चाहिए होती है। अब मुझे समझ नहीं आता आप लोग बार बार नई वीडियो की तलाश में क्यों रहते हैं, जब आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है किस किस बुक से पढ़ना है आपको, ठीक है, और कौन सी बुक स्किप करनी है। लेकिन मैं आज फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी कि सीटेट, टीजीटी और पीआरटी के लिए कौन सी बुक पढ़ें। ओके, मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अब ध्यान से सुनिए, देखिए हम यहाँ पर पीआरटी एंड टीजीटी दोनों की कॉमन जो फर्स्ट सब्जेक्ट से अलग आपका जो आएंगे ना, जैसे सीडीपी इंग्लिश और हिंदी, उसको लेते हुए चलेंगे और सब्जेक्ट की अलग बात करेंगे। तो दोनों के कॉमन बता रही हूँ मैं यहाँ पर, सीडीपी इंग्लिश एंड हिंदी तीनों के लिए पियर्सन की बुक सबसे बेस्ट है, ठीक है। कौन सी बुक है? पियर्सन की। हालांकि मैं यहाँ पर आपको प्रोज एंड कॉन्स बता देती हूँ, सुनिए ध्यान से। सी डी पी की आई थिंक ये पियर्सन की इंग्लिश में ही आती है, आई एम नॉट श्योर कि हिंदी में आती है कि नहीं आती है, बट पियर्सन की बुक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और इंग्लिश की बात करूँ तो पियर्सन की जब आप इंग्लिश लेंगे तो आपको ना वहाँ पर ज़्यादा कंटेंट इतना देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं एक्स्ट्रा बुक बताऊँगी कि आपको उसमें क्या करना है, राइट। और हिंदी में आपको प्रॉपर कंटेंट मिल जाएगा पियर्सन में। अब आपको सी डी पी भी पियर्सन की लेनी है, हिंदी भी पियर्सन की लेनी है, इंग्लिश भी पियर्सन की लेनी है। अब इनमें तो मीडियम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब आप लोग चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, आपको ये तो पियर्सन की लेनी ही है। अब सी डी पी वाले हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे वो भी मैं बताऊँगी। देखिए आप लोग इसके साथ साथ जो ये तीनों बुक आप लेंगे, इसके साथ साथ आप एक प्रैक्टिस सेट लेंगे और आपने आर गुप्ता और अरिहंत, इनका तो नाम बहुत अच्छे से सुना ही होगा, मुझे नहीं पता लोग इस पर विश्वास करते हैं इन बुक्स पर नहीं करते, बट मेरे लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। इनसे बच्चे पढ़ के निकालते हैं, मिनिमम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं ये दोनों बुक्स। तो आर गुप्ता और अरिहंत की बुक्स लेना आप, इन लोगों इन दोनों की बुक्स जो हैं वो आपको प्रॉपर मेथड में मिलेंगी, प्रॉपर चैप्टर वाइज मिलेंगी, राइट। आपको चैप्टर वाइज वो पढ़ना है, उसके पीछे उसके साथ में एमसीक्यूज दिए होते हैं, उसको एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो पियर्सन आप पढ़ने के साथ साथ आप इनके प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, राइट। तो मैं आपको एक बार बुक दिखा देती हूँ, देखिए जैसे कि सीटेट की जो पियर्सन वाली बुक है ये कुछ ऐसी होगी, ओके। और इंग्लिश और लाइक इसकी जो पेडागोजी है वो आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है, ये भी पियर्सन की है। और हिंदी की मैं दिखा देती हूँ, ये है हिंदी की पियर्सन की, राइट। आपको ये पियर्सन की बुक दिख गई है। अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट दिखा देती हूँ जो आर गुप्ता के होंगे और अरिहंत के होंगे। देखिए आर गुप्ता के आपको कुछ ऐसे मिलेंगे, 3000 प्लस एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसी बुक होगी जो प्राइमरी लेवल के लिए और टीजीटी लेवल के लिए सेम होगी, सेम ऐसे ही मिलेगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं अरिहंत की। अरिहंत के लिए भी आपको जैसे यहाँ पर फर्स्ट टू फाइव लिखा है, तो आपको जब आप सेकंड क्लास लाइक सेकंड स्टेज वाली पे लेंगे, जैसे टीजीटी के लिए लेंगे, तो यहाँ पर 6 to 8 लिखा मिलेगा, ठीक है। तो ये है बिल्कुल सेम आपको अरिहंत की मिलेगी, ऐसी बुक लेना। और या मैं आपको दिखाई देती हूँ कि अंदर से ये कैसी है, इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, सारे के सारे। आपको चाइल्ड पेडागोजी मिलेगी, आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी मिलेगी। एक बात याद रखना, जो पेडागोजी हिंदी और इंग्लिश की इसमें दी हुई है, सॉरी इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, हिंदी की तो आप पियर्सन से ही करोगे, बेस्ट है। लेकिन अगर आप इंग्लिश की पियर्सन नहीं लेते हो ना, तो बेस्ट है आर गुप्ता और अरिहंत लेना, इससे बढ़िया पेडागोजी कहीं नहीं दी हुई है इंग्लिश की, राइट। अब इंग्लिश की पेडागोजी भी दी हुई है, इंग्लिश भी दी हुई है अच्छे से, हिंदी भी दी हुई है, हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए मैथ्स एंड पेडागोजी भी दी हुई है, मैथ भी दिया हुआ है और उसकी पेडागोजी भी दी हुई है साथ साथ। और इतनी बेस्ट पेडागोजी आपको इसमें देखने को मिलेगी, आपको कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बुक का ढेर मत लगाओ, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, ढेर मत लगाओ, नहीं पढ़ पाओगे आप और एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होगा। एक बुक लो, इसको दो बार करो, ठीक है। इसके बाद आर गुप्ता पे आना, दो बार उसको पढ़ो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, राइट। और पियर्सन के आप पियर्सन मैंने बताइए आपके टेक्स्ट बुक के लिए, लाइक आपको प्रॉपर टेक्स्ट मिलेगा वहाँ पे, अच्छा। और आपको यहाँ पर ईवीएस भी मिलेगी और इसकी प्रॉपर पेडागोजी भी मिलेगी। ये है पेपर वन के लिए,
राइट, पीआरटी के लिए, पेपर टू के लिए भी आपको सेम ऐसी ही मिलेगी, उसमें सब कुछ होगा। अगर आपके पास सोशल साइंस है तो आप सोशल साइंस वाली ले लीजिए, आपका अगर सब्जेक्ट मैथ्स है और साइंस है तो आप मैथ्स एंड साइंस वाली ले लीजिए, सिंपल। इसे अच्छी बुक कोई नहीं है। और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दिखा दूँ कि 80% लोगों ने अगर सीटेट निकाला है, ठीक है, 100% में से अगर हम बात करें, 80% जिसने निकाला वो ये दो बुक पढ़ के निकाला है, आर गुप्ता और अरिहंत। पियर्सन तो बाद में आई है इनके, सही बता रही हूँ मैं, पियर्सन जो है वो अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा चल रही है, हालांकि बुक बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन आपको इंग्लिश की पेडागोजी में इससे सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो उसके लिए आपको अलग से बुक खरीदनी पड़ेगी, वो है आर गुप्ता और अरिहंत की, ठीक है। अब सेकेंड सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, अलग अलग बात करेंगे सब्जेक्ट की, ओके। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने CDP नहीं बताई है, क्योंकि देखिए आप लोग कोई भी बुक ले लो, सभी अच्छी हैं, वैसे तो सभी अच्छी हैं, ठीक है। तो आप ना हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपनी आर गुप्ता और अरिहंत से अपनी तैयारी करो, बहुत ही बेस्ट आपकी तैयारी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं EVS एंड मैथ्स की, जो कि PRT के लिए है, ठीक है। पहले PRT की बात करते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, जो ये अरिहंत में दी हुई है और आर गुप्ता में EVS और PRT दी हुई है ना, ये सारा NCERT से ही उठा के दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पर आपको कम पार्ट मिलेगा, आपको NCERT वाला हल्का फुल्का पार्ट मिलेगा, लाइक NCERT का आपको 60% पार्ट इन बुक्स में मिल जाएगा, किसमें, अरिहंत में और आर गुप्ता में। तो इसलिए मैं यहाँ पर रेकमेंड कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ NCERT लेनी है आपको, इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो, ठीक है, समझ में आई मेरी बात, कुछ भी नहीं पढ़ना, मतलब NCERT पढ़नी है। अब कौन सी क्लास की, देखिए EVS तो मैं आपको एक बात बताऊं, 3rd, 4th और 5th की लेना, सेम 3rd, 4th और 5th की मैथ्स लेना। अब सुनो ध्यान से, EVS तो आप लोगों की ना 7 दिन में फिनिश हो जाएगी, इतनी पतली पतली बुक है, स्टोरी फॉर्म में दी गई हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, ये जो थर्ड क्लास वाली बुक होगी ना, उसमें आपको एक बार पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है, सब कुछ स्टोरी फॉर्म में है, लेकिन स्टोरी को इतनी ध्यान से पढ़ना, स्टोरी में से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, पहली बात, ठीक है। हालांकि 4th और 5th में आपको बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे, जो डायरेक्ट आपको लाइक CTET में आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो NCERT से उठ के आते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ NCERT से आगे नहीं जाना है आपने, राइट। अब जो ये थर्ड क्लास की बुक है, 4th क्लास की बुक है, 5th क्लास की, इन दोनों में तो आपको कंटेंट ज़्यादा मिलेंगे, इसमें ज़्यादातर आपको स्टोरी फॉर्म मिलेगा थर्ड क्लास वाली बुक में, हालांकि इनमें भी स्टोरी है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा ही स्टोरी दिखने को मिलेगा, थोड़े लाइक ऐसे लगेगा कि इसमें क्वेश्चन नहीं बन रहे, लेकिन आपको वो हर चीज़ देखनी है, हर एक स्टोरी का पार्ट, हर एक स्टोरी की लाइन अच्छे से पढ़नी है। मैं रीज़न बताती हूँ क्यों, क्योंकि जो आप इंग्लिश का पेपर देंगे और इंग्लिश के पेपर में जो पैसेज बन के आता है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात, जो पैसेज अनसीन पैसेज बन के आता है, वो इन्हीं बुक में से बन के आता है, उठा के देख लो, चाहे आप लास्ट ईयर का पेपर, ठीक है, और लास्ट टू लास्ट का भी देख लो, इन्हीं में से बन के आता है, ऐसी ही कुछ स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, और स्टोरी में यही सब होगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा EVS में, समझ गए आप मेरी बात। मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ कि NCERT ही पढ़ें, ओके, और मैथ्स की बात NCERT ही पढ़ें। अब सवाल आता है कि इसकी पैडागोजी कहाँ से करें, सिंपल सी बात है, पैडागोजी के लिए कहीं नहीं जाना, कोई फालतू की बुक नहीं लेनी, आर गुप्ता एंड अरिहंत, इससे ज़्यादा कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ गई मेरी बात, इससे ज़्यादा कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से पैडागोजी आप लोगों की इतनी अच्छी हो जाएगी, जैसे कि ये 30 नंबर का आएगा, ये 30 का, तो इसमें से 15 कंसेप्ट का आएगा और 15 आपका पैडागोजी आएगा, सेम इसमें ही 15-15 में बांट देते हैं, तो 15 की इसमें पैडागोजी आएगी। अगर आपने इन दोनों बुक में से तैयारी करी है ना पैडागोजी की, तो आपकी एटलीस्ट, देखिए आपको एक बात बताऊं, आर गुप्ता और अरिहंत में से तो पेपर बन के आएगा नहीं, ये तो भूल मत सोचना, ये तो भूल करना ही मत, ठीक है, इस गलतफहमी में मत रहना, लेकिन ये जब आप इसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे ना, तो जब आपके सामने कैसा भी एग्जाम आ जाए CTET का, आपकी रैशनैलिटी और जो टिक करने की जो आपकी ट्रिक होगी और आपको क्वेश्चन को समझने की जो ट्रिक होगी या जो कॉम्प्रिहेंशन आपका लेवल होगा ना, वो इतना अमेजिंग हो जाएगा कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए आप
सही पे ही टिक करके आएंगे, खुद आपका जो ब्रेन है वो उस चीज़ के लिए, उस क्वेश्चन के लिए आपको रिस्पॉन्स देगा कि क्योंकि आप ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, राइट। तो अब देखिए आपको यहाँ पर जो 15 नंबर की आएगी, अगर आप इन दोनों में से अच्छे से प्रैक्टिस सेट करेंगे, देखिए ये नहीं है कि ये एक बार पढ़ ली बात खत्म, नो, इसको भी दो बार पढ़ना है, इसको भी दो बार पढ़ना है, दो दो बार प्रैक्टिस सेट सेम बुक के लगाने हैं पैडागोजी के लिए, तो 15 में से आपके हद से हद 10 से 11 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, ऐसा नहीं कि एक एक बार बुक पढ़ के और बुक साइड में कर दी, चलो भाई हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसको दो दो बार बुक को पढ़ना है। अब बात करते हैं TGT की, हम ऑलरेडी सोशल साइंस के लिए तो कर चुके हैं बात, सोशल साइंस आपके तैयारी कैसे करनी है सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डाल दूंगी आपको आई बटन में एंड एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं मैथ्स एंड साइंस की, सिंपल सेम चीज, 6 से लेके 8 क्लास तक की बुक आपको लेनी है, वो भी कौन सी, NCERT। कभी आप 9th के चक्कर में फंस जाओ, 10th के चक्कर में फंस जाओ, कोई ऐसी भूल करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आई बात। सिर्फ 6 से लेके 8 तक की NCERT उठा के लाओ, ठीक है, एक प्रॉपर सेट मिलेगा आपको, मैथ्स और साइंस कर डालो। अब इसकी पैडागोजी कहाँ से करनी है, सेम आर गुप्ता एंड अरिहंत से आपको इसकी पैडागोजी करनी है। प्लस अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते तो आपको थर्ड ऑप्शन दे देती हूँ, पियर्सन की अलग से पैडागोजी आती है मेन सब्जेक्ट की और बहुत अच्छी है, नो डाउट। बट एक डीमेरिट ये देखने को मिलेगा, मैं आपको पहले ही बता दूं, इसके जो भी क्वेश्चन होंगे उसके आंसर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, उसमें आंसर्स नहीं हैं, ठीक है। तो सोल्ड आपको MCQs देखने को नहीं मिलेंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ अरिहंत एंड आर गुप्ता में, ओके। तो अगर आपको कुछ और बेस्ट देखना है, अरिहंत और आर गुप्ता के अलावा पैडागोजी में कुछ और पढ़ना है, तो आप लेना पियर्सन की बुक मैथ्स साइंस के लिए, और जो सोशल साइंस वाले बच्चे हैं वो भी ले सकते हैं। अब एक चीज और, पैडागोजी को बुक के अलावा और कहाँ से करना है जो आपको, आपके लिए कंपलसरी है, NIOS के कुछ नोट्स हैं, ठीक है, वो लेना, डाउनलोड करना, जिसमें आपको मिलेगा कुछ ऐसे लिखा हुआ, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस या टीचिंग ऑफ साइंस, या फिर आपको मिलेगा टीचिंग ऑफ मैथ्स, या फिर आपको नोट्स ऐसे मिलेंगे टीचिंग ऑफ EVS, ठीक है, ऐसे करके आपको कुछ पेजेस मिलेंगे। तो जैसे ये पे इसके होंगे कुछ 48-49 पेज, सबकी कुछ रिस्पेक्टिवली 48-49 पेज आपको देखने को मिलेंगे, या फिर किसी में तो 15-20 पेज हैं, ठीक है। अब मेरी बात यहाँ से ध्यान से सुनो, जो पैडागोजी है ना वो आप इनमें से ज़रूर करेंगे। अब वहाँ पर MCQs नहीं है, आपको प्रॉपर एक टेक्स्ट मिलेगा, पेजेस बता दिए मैंने, ज़्यादा पेजेस नहीं हैं, आप वो 3 से 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको पढ़ने हैं सोशल साइंस के मैथ्स के और EVS के अलग अलग मिलेंगे। अब आप पूछोगे कि ये कहाँ से मिलेंगे, तो मेरा जो है टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये डाल दिए हैं, एक दो और डालने बाकी हैं, वो मैं एक दो दिन में डाल दूंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप है, और आपको किस नाम से मिलेगा, पहली बात तो अगर आप लोगों को मिलेगा लर्निंग विद पेस के नाम से, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना जो नहीं जुड़े हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वहाँ पे ये NIOS के नोट्स मिल जाएंगे। प्लस अगर आप लोग लाइक टेलीग्राम पे ये लिंक नहीं मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर जुड़ जाना और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से होगी, ट्रस्ट मी। आपको ये सब जरूर पढ़ना पड़ेगा जो मैंने बताया, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो, इट्स माय रिक्वेस्ट, कुछ मत पढ़ो, किसी चक्कर में मत पढ़ो, किसी से कुछ PDF मत मांगो। बच्चे एक दूसरे के PDF मांगते हैं, मत मांगो, क्यों किसी के नोट्स से पढ़ रहे हो, बुक रही है आपके सामने, आप मेरी बातों को समझो, ठीक है। कुछ एक्सपीरियंस है, मैं आपको बातें बता रही हूँ, और आप पर डिपेंड करता है, राइट। अब चलिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मेरा अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप लाइक अगर आपको कोई और स्पेशल वीडियो चाहिए किसी सब्जेक्ट पर तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है। और साथ साथ मैं एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर मेरे
जो चैनल है उस पर सीटेट के लिए क्या क्या तैयारी हो रही है ये तो मैं बता ही देती हूँ आपको। CDP यहाँ पर हो रही है, प्लस इसके MCQs बहुत अच्छे से हो रहे हैं, इंग्लिश हो रही है और इंग्लिश की पैडागोजी यहाँ पर हो रही है, ठीक है ओके। और सोशल साइंस वाले बच्चों को तो पता ही है कितनी धूम धड़ाके से यहाँ पे तैयारी हो रही है सोशल साइंस के लिए। और रही बात EVS की, EVS मैं आप लोगों की एक हफ्ते में ख़त्म कर दूंगी, बस कुछ एक नोट्स हैं जो आपको वन लाइनर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, उससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैथ्स वाले बच्चे तो आप खुद ही कर लोगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, वो आप खुद करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।